हेलो एवरीवन, आज हम हमारे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लेक्चर में हमारा जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू एयर कंडीशन के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस यूनिट को हम हिंदी में, इस इंट्रोडक्शन टू एयर कंडीशन को हम वातानुकूलन का परिचय कहेंगे। ओके, तो इस बेसिकली इस यूनिट में हम जानेंगे कि एयर कंडीशन होता क्या है, कितने प्रकार के एयर कंडीशन होते हैं, वो वर्क किस प्रकार से करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो बेसिकली देखिए, इस यूनिट में टाइप्स ऑफ एयर कंडीशन, फंक्शन ऑफ एयर कंडीशन, प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर कंडीशन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एयर कंडीशन। ओके, एयर कंडीशन को हम हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलन। ओके, तो इस वातानुकूलन में हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आंसर में लिखा हुआ है, एयर कंडीशनिंग में भी डिफाइंड एज द simultaneous control of the temperature, humidity, motion and purity of air within an enclosed space. Okay, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि एयर कंडीशन एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा मैकेनिकल यूनिट होता है जिस यूनिट में हम जो है एयर को क्या क्या करते हैं, एक ही समय पर उसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करते हैं, उसके ह्यूमिडिटी रेशियो को भी कंट्रोल करते हैं, उसके मोशन, उसके स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं और उसकी प्योरिटी को भी हम मेंटेन करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत से यहाँ पर मैकेनिज्म लगाने पड़ते हैं, बहुत से सर्किट्स या बहुत से मशीन कंपोनेंट हमें यहाँ पर लगाने पड़ते हैं जो कि एट ए टाइम पर ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। ओके, तो एयर कंडीशन बेसिकली ये मैकेनिकल का ही पार्ट होता है क्योंकि इसमें टेम्परेचर का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, तो बेसिकली ये थर्मल का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो है इतनी सारी चीज़ों को वो एट ए टाइम पर ही कंट्रोल किया जाता है। ओके, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोशन या एयर प्योरिटी को ये कंट्रोल करता है। ओके, अब आगे हम देख सकते हैं अगला जो पॉइंट है हमारा एयर कूलिंग। ओके, वायु शीतक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो एयर जो है उसे किस प्रकार से हम कूल कर सकते हैं उस चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए आंसर में लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक सेचुरेशन ऑफ एयर व्हेन ए स्प्रे ऑफ वाटर इज मेड टू इवोपरेटिव इन टू इट विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम और टू द सराउंडिंग दैट इज एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। तो देखिए ये एयर कूलिंग एक ऐसा एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक सेचुरेशन प्रोसेस है जिसमें कि हम वाटर को स्प्रे करते हैं और वाटर को स्प्रे करने से एयर में हम जब स्प्रे करते हैं तो वो क्या होता है, वो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। मतलब कि हम एयर में क्या करते हैं, वाटर के पार्टिकल्स को हम एड ऑन करते हैं जिससे कि एयर जो रहता है हमारा क्या होता है, कूल होता चला जाता है। ओके, बट उसकी जो एंथैल्पी रहती है वो कांस्टेंट हमें यहाँ पर रखना होता है, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा हुआ है, द कूलिंग ऑफ एयर रेड्यूसिंग डीबीटी इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द सेंसिबल हीट ऑफ एयर टू द इवोपरेटेड वाटर कैरीड विद द एयर एंड द सेंसिबल हीट इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। द लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू इवोपरेट द वाटर कैरीड विद एयर व्हेन इट इज पासिंग थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम सेंसिबल हीट ऑफ एयर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर केवल सेंसिबल हीट का ही केवल उपयोग किया जाता है और यहाँ पर जो एयर जो है उसे कूल किया जाता है, उसके डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है और वेट बल्ब टेम्परेचर को एड ऑन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सेंसिबल हीट के अंतर्गत ही काम हो रहा है, सेंसिबल हीट मतलब कि यहाँ पर फेस चेंज नहीं हो रहा, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है। केवल लिक्विड है तो वो लिक्विड अवस्था में ही हमारा रहेगा वर्किंग मीडियम, और हमारा वर्किंग मीडियम यहाँ पर क्या क्या है, एयर और वाटर है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंसिबल हीट का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, लेटेंट हीट इज रिक्वायर्ड टू इवोपरेट द वाटर कैरीड विद द एयर विद इन द पासिव थ्रू द स्प्रे ऑफ वाटर इज टेकन फ्रॉम द सेंसिबल हीट ऑफ एयर। तो इस ये एयर कूलर जो है, एयर कूलिंग जो है, इसे हम अभी आगे जो है डायग्राम के माध्यम से समझ लेंगे। एयर कूलर जैसा हम कूलर अब देखते हैं डे टू डे लाइफ में, कूलर का क्या काम रहता है, जिसमें कि हम ऑयल एयर को हम सॉरी एयर जो रहता है वो बाहर का जो पैड्स रहते हैं कूलिंग पैड से वो इंट्रोड्यूस होता है और उस कूलिंग पैड्स में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली हम वाटर का स्प्रे करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप, और वो पंप क्या करता है, वाटर को स्प्रे करता रहता है उसमें, और इस वाटर जो रहता है वो जो एलिमिनेटिंग जो प्लेट्स होते हैं या जो पैड्स जो रहते हैं, जैसे कि हम हिंदी में खस भी कहते हैं,
जो कि सिंथेटिक फाइबर या कारपेंट्री वेस्ट का भी बना रहता है खस, ओके, या ग्रास का भी बनता है खस, ओके। तो उसमें कंटिन्यूअसली वाटर का सप्लाई होता है और बाहर का जो हॉट एयर है वो ब्लो होकर के अंदर की ओर आता है, और इसी के साथ साथ में क्या होता चला जाता है, जो एयर जो है वो जो बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो वो कूल भी होता चला जाता है, ओके। और उसको एक पर्टिकुलरली एक क्लोज्ड स्पेस में हम जो है प्रोजेक्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये पर्पस ऑफ डेजर्ट एयर कूलर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसे हिंदी में देखेंगे तो डेजर्ट वातानुकूलन के उद्देश्य यहाँ पर लिखे हैं, ओके। तो देखिए लिखा हुआ है द एयर में बी सफिशियंटली कूल्ड बाई इवेपोरेटिव प्रोसेस टू रिजल्ट ए कंसिडरेबल डिग्री ऑफ समर कंफर्ट इन क्लाइमेट्स ऑफ हाई ड्राई बल्ब टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके। तो देखिए लिखा हुआ है कि जो डेजर्ट एयर कूलर जो रहता है, मतलब गर्मी के समय में जो एयर कूलर जो यूज़ किया जाता है समर कंफर्ट के लिए, गर्मी के कंफर्ट के लिए, उसमें हम एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर को हम रिलेटिवली हम लो करने का कोशिश करते हैं। बाहर से हम जो है स्प्रे करते हैं, जो पैड्स रहते हैं उसमें हम वाटर का स्प्रे करते हैं, और बाहर से जो अंदर की ओर हवा आती है आईडी फैन के थ्रू उसे हम सक करते हैं, और आईडी फैन के थ्रू हम क्या करते हैं उसे एक पर्टिकुलरली क्लोज्ड स्पेस में हम जो है ट्रांसफर करते हैं, ओके। इस प्रकार से हमारा जो है एयर जो है वो ठंडा होकर के एक क्लोज्ड स्पेस में एक कूलिंग बिहेवियर शो करता है, जैसे कि जो ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन जो है वो कंफर्ट फील करता है, ओके। ऑल्दो द इवोपरेटिव कूलिंग डज नॉट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ ट्रू एयर कंडीशनिंग बट इट प्रोवाइड्स कंफर्ट बाई फिल्टरिंग एंड सर्कुलेटिंग द कूल्ड एयर एट लोअर कॉस्ट देन एयर कंडीशन सिस्टम। इट गिव्स मोर कंफर्ट एट हाई डिविटी एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एयर कूलर जो रहते हैं, जो कूलर हमारे घर में लगे रहते हैं, वो सस्ता होता है, बहुत ही कम रेट में हमें मिल जाता है, एज कंपेरिजन टू एयर कंडीशन जो रहता है वो बहुत ही महंगा होता है, बट एयर कूलर काफ़ी सस्ता होता है उसकी अपेक्षा में, और हमें कंफर्ट भी ऑलमोस्ट हमें एयर कूलर दे देता है, बट उतने फंक्शन तो एयर कूलर में नहीं रहते हैं जितना कि एयर कंडीशन में रहता है, लेकिन एयर कूलर भी एक सस्ते दाम पर एक बहुत ही सही प्रोडक्ट होता है, ओके। लेकिन एयर कूलर का क्या क्या लिमिटेशंस है कि वो हाई ड्यूटी में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी बहुत ही अच्छे से वो परफॉर्म करता है, ओके। लेकिन एयर कंडीशन जो रहता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, इसमें ये चीज़ बताया गया है, क्योंकि वो एट ए टाइम पे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी स्पीड ऑफ एयर मूवमेंट ऑफ एयर टेम्परेचर ऑफ एयर प्योरिटी ऑफ एयर ये सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली एट ए टाइम पर मेंटेन करता है एयर कंडीशन हमारा। बट जो एयर कूलर जो रहता है वो केवल एयर के मोशन को ही बस कंट्रोल कर पाता है और एयर के मूवमेंट को स्पीड को ही बस कंट्रोल कर पाता है, बाकी चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, ओके। अगला हेडिंग है द नेम्स ऑफ एयर कूलर विच आर कॉमनली यूज्ड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य वायु शीतक के नाम लिखिए, तो आंसर में है द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोपरेटिव डेजर्ट कूलर्स विच आर कॉमनली यूज्ड आर गिवन बिलो। तो कौन कौन से ऐसे एयर कूलर्स हैं जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट है द स्प्रे वॉशर टाइप, स्प्रे वॉशर टाइप का कूलर कॉमनली यूज होता है, दूसरा है वेटेड पैड टाइप, और थर्ड है रोटेटिंग टाइप, ओके। तो ये बहुत ही आसान है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि जैसा यहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिलेगा उसी प्रकार से आप लोगों को भी बनाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है द स्प्रे वॉशर टाइप फुहार वायु शीतक, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज लार्ज सीट मेटल हाउसिंग फिटेड विथ स्प्रे नोजल्स, द स्प्रे सिस्टम में इंक्लूड आइदर वन और टू बैंक्स एंड मे बी अरेंज्ड फॉर अपोज्ड और पैरेलल स्प्रे ब्लोअर पुल्स एयर थ्रू द वॉशर वेयर एडियाबेटिक कूलिंग ऑफ द टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द फाइन वाटर स्प्रे, द बैफल्स लोकेटेड ऑन द एंटरिंग साइड ऑफ द वॉशर प्रोवाइड गुड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एयर फ्लो अक्रॉस द फेस ऑफ द वॉशर, द एलिमिनेटर लोकेटेड ऑन द लिविंग साइड प्रिवेंट मॉइस्चर कैरी ओवर वाटर ड्रॉपलेट्स टू द लिविंग एयर स्ट्रीम्स। स्प्रे टाइप एयर वॉशर्स कूलर्स आर डिपेंडेबल एफिशियंट एंड इकोनॉमिक टू ऑपरेट, देयर इनिशियल कॉस्ट इज रिलेटिवली हाई, दे आर बेस्ट सूटेड टू लार्ज कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेटिव कूलिंग एप्लीकेशन, इट कैन कूल एयर टू विद इन 2 डिग्री ऑफ द एग्जिस्टिंग WBT, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिखा हुआ है, तो 2 डिग्री सेल्सियस तक के ये मेंटेन कर सकता है, ओके। जो हम
हमारा ये एयर कूलर के बारे में बताया जा रहा है, स्प्रे टाइप एयर कूलर, और इसमें किस प्रकार से ये फंक्शन करता है उसके वर्किंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर इंग्लिश में, मैं उसे हिंदी में आप लोगों को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या रहता है, एक वाटर का एक सम्प रहता है, जैसे कि यहाँ पर वाटर टैंक या वाटर रिजर्वायर से नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पर ब्लिंड एंड ड्रेन है, यहाँ पर वाटर टैंक, ये देखिए मेकअप वाटर है, अगर पानी की अगर कमी होते जाती है तो ये मेकअप वाटर क्या करता है, इसे मेकअप करने का काम करता है, और अगर बहुत ज़्यादा अगर पानी आ गया तो ये ब्लिंड एंड ड्रेन आउट, यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है जिससे कि पानी अगर ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ से ड्रेन आउट भी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए एक सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, ये रिसर्कुलेटिंग पंप है। तो रिसर्कुलेटिंग पंप का क्या काम रहता है, जो ये पानी जो है, जो वाटर जो है, उसे एक पॉइंट से लेकर के रिसर्कुलेट करके पंप क्या करता है, ये जो दोनों जो वर्टिकल मेंबर जो आपको दिख रहे हैं उसमें ये वाटर को सप्लाई करता है और क्या करता है कि स्प्रे करता है। ओके, तो ये स्प्रे किस प्रकार से करता है, जो बैफल्स जो रहते हैं, ये बैफल और ये बैफल जो रहता है, इन दोनों में ये जो स्प्रे के जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं ये दोनों बैफल्स में जाता है। ओके, और यहाँ पर जो है आपका कोई फैन लगा हुआ होता है, आईडी फैन, इंड्यूस ड्राउट फैन लगा हुआ होता है, और इस बैफल में जब वाटर जब स्प्रे होता है तो ये बैफल क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कूल हो जाता है। ओके, और कूल होने की वजह से ये जो बैफल है, ये कूल होने की वजह से क्या होता है, बैफल जो है कूल होने की वजह से जो भी एयर आउटसाइड से आ रहा है वो अंदर की ओर आता है, और जब वो लीविंग करते रहता है, एयर जब वो बाहर डिस्चार्ज होते रहता है तो एयर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का कारण क्या रहता है, क्योंकि वो एयर मॉइस्चर के कंटेंट में आता है, और एयर का स्वभाव है कि वो जैसे ही जब वो फैलता है, जब उसका सर्फेस एरिया बढ़ाया जाता है तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो आउटसाइड एयर, यहाँ बाहर में क्या दिखाया जा रहा है, लिविंग एयर जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कूल हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ये बैफल है, ये जैसे कि हिंदी में हम खस कहते हैं, ये एलिमिनेटर प्लेट्स हैं, ये भी वही सेम चीज़ है बैफल्स। ओके, ये स्प्रे वाल्व्स हैं, ये स्प्रे टाइप कूलर्स हैं। ओके, इसके सारे पार्ट्स को हमने समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पैड टाइप कूलर है, पैड टाइप कूलर को भी हम पहले समझ लेते हैं। पैड टाइप कूलर में क्या होता है, देखिए दो पैड यहाँ पर लगे हुए होते हैं, नीचे में देखिए रिसर्कुलेटिंग सम्प बना हुआ है। ये सम्प क्या करता है, सम्प क्या करता है कि जितने भी पानी जो है, पानी में पानी को ये रिजर्वायर के थ्रू ये सप्लाई करता है, और सप्लाई करने के बाद में जो पैड जो है, ये पैड को क्या करता है, गीला करता है, वेट करता है, और पैड को गीला करने के बाद में, वेट करने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर जो है वो वापस जो है सम्प की ओर गिरता चला जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये आउटसाइड एयर है, ये आगे में देखिए फैन लगा हुआ है, और ये लीविंग एयर है। ओके, ये एलिमिनेटर लगा हुआ है, देखिए ये मेकअप वाटर है, पानी अगेन यहाँ पर अगर कम होता है, क्योंकि एयर जो है वो गर्म हुआ है। ओके, तो कुछ मात्रा जो वाटर है वो इवोपरेट भी होता चला जाएगा, डेफिनेटली इस वाटर सम्प का जो है, वाटर रिजर्वायर का जो लेवल है वो भी कम होता चला जाएगा, तो मेकअप वाटर जो है इसकी लेवल को मेकअप करता रहेगा। आगे जो है ये ब्लिंड एंड ड्रेन आउट यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये रिसर्कुलेटिंग पंप है। ओके, ये स्लिंगर है। ओके, जो कि कूल करने का, जो कि स्प्रे करने का काम करता है, ये हो गया आपका पैड टाइप कूलर। ये एलिमिनेटर है, ये भी एक तरह का पैड की तरह रहता है, बट ये फिल्टर का भी काम करता है, जैसे डस्ट, डर्ट, स्मेल, फ्रेग्रेंस, ये सारी चीज़ों को ये क्योर करने का काम करता है, ट्रीट करने का काम करता है। ओके, एलिमिनेटर, आगे जो हवा जो जाएगा वो बिल्कुल प्यूरिफाइंग फॉर्म में आगे की ओर बढ़ेगा। ओके, और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, जो हमें डिजायर्ड या जो हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर ये रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका पैडेड टाइप कूलर। ओके, आगे देखते हैं वेट पैड टाइप कूलर। तो ये वेट पैड टाइप कूलर का ही यहाँ पर ये एक डायग्राम यहाँ पर बताया गया है, जिसे कि हम समझे हैं, इसे हम पढ़ भी लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है वेटेड पैड टाइप कूलर, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, हिंदी में हम इसे कहेंगे गीला मुलायम प्रकार शीतक। ओके, गीला मुलायम प्रकार शीतक कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन को अगर हम पढ़ें तो लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ कूलर द वाटर इज अलाउड टू ट्रिंकल ओवर द पैड अंडर ग्रेविटी और समटाइम्स फोर्स्ड एंड द एयर इज पास्ड थ्रू द पैड्स ऑफ एज फैन वुड फाइबर्स वुड एक्सेलसोर विच आर जनरली अरेंज्ड इन सीरीज
विद द हेल्प ऑफ ब्लेड फैन द पंप कीप्स द पैड सैचुरेटेड विथ वाटर विच इवोपरेट्स इन टू द एयर स्ट्रीम एज इट पासिस थ्रू इट. द मेक अस वाटर इज कंट्रोल्ड बाई अ फ्लोट लेवल कंट्रोल एंड इन नॉर्मल provides an excess of water which is removed through the bleed and drain connection. Okay, that this type of cooler is generally preferred for cooling small rooms and halls. The pad water reservoir and fan blowers are generally mounted in a decorative cabinet. Adiabatic efficiency of this type is low. With this cooler, air can be cooled विथिन 4 to 5 degree Celsius. ओके, तो यहाँ पर ये वेटेड पैड टाइप कूलर के बारे में यही चीज़ बताया जा रहा है कि इसमें वुड का एक कैबिनेट जैसा रहता है और उस वुड के कैबिनेट में ही हम क्या करते हैं, इसके अंदर के जितने भी आपके कॉम्पोनेंट्स हैं वो वुड के बने हुए होते हैं या नहीं तो फिर प्लास्टिक के बने होते हैं. बट इसका जो लुक जो रहता है वो किस प्रकार से रहता है, एक फैंसी लुक रहता है. और इसका जो टेम्परेचर जो मेंटेन करने की जो क्षमता होती है वो रहती है 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता होती है. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. रोटरी टाइप कूलर, घूर्णक प्रकार शीतक. तो इसे पहले हम समझ लेते हैं उसके बाद में हम पढ़ लेंगे. तो देखिए, ये बेसिकली आउटसाइड एयर आता है, ये फिल्टर लगा हुआ है जिससे कि बाहर का एयर क्या होता है, डस्ट, डर्ट, स्मेल, फ्रेगरेंस, ये सारी चीज़ों से ये क्या होता है, फिल्टर होता है एयर जो है. और उसके बाद में वाटर टैंक है. वाटर टैंक में देखिए ये पैडेड रोटेटिंग पैड है. ये रोटेटिंग पैड किस प्रकार से है, ये रोटेट होता रहता है. ओके, ये वेट भी है, वेट मतलब गीला भी है, और ये रोटेट भी होता रहता है. तो रोटेट होने की वजह से इसका एयर सर्कुलेशन में भी एक बहुत अच्छा एक प्रभाव पड़ता है. ओके, रोटेशन की वजह से, क्योंकि ये जो पैड है उसका भी एक डायनामिक मोशन है और एयर जो है उसका भी एक डायनामिक मोशन है. तो जो इंट्रोडक्शन जो दोनों का होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है. और यहाँ पर फैन के माध्यम से एयर जो है वो बाहर की ओर एक नॉर्मल स्पीड में जो है निकल जाता है. ओके, यहाँ पर देखिए मेकअप वाटर है, यहाँ पर सेम पंप लगा हुआ है. ओके, पानी को यहाँ पर नीचे में सम्प लगा हुआ है, बट सम्प को यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया गया. ओके, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा डायग्राम, इसलिए यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया गया है. बट आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, अगर ऐसा भी बना देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी इनफ है. ओके, मेकअप वाटर यहाँ पर ये एक वाल्व लगा हुआ है और एक ब्लीड एंड ड्रेन का वाल्व लगा हुआ है. मेकअप वाटर जो है ये पैड की तरफ जाता है और ब्लीड एंड ड्रेन जो है ये पैड से बाहर की ओर निकलता है. ओके, इस डायग्राम का नाम या इस मैकेनिज्म का नाम है रोटरी टाइप कूलर. ओके, लिखा हुआ है दिस टाइप ऑफ कूलर हैज अ रोटेटिंग इवेपोरेटर पैड मेड ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ फ्लैट और क्रिम्ड कॉपर ब्रॉन्ज और प्लास्टिक स्क्रीन. इट इज कैप्ट वेट बाई रोटेटिंग थ्रू द वाटर टैंक. विथ दिस कूलर एयर कैन बी कूल्ड टू विथ इन 2 to 4 degree Celsius वेट बल्ब टेम्परेचर. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर अंदर में कारपेंट्री वेस्ट, जैसे लकड़ियों के वेस्ट जो हो गया, पतले पतले धागे सूते के किस्म के जो रहते हैं या घास के किस्म के रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कॉपर के एक जाली या ब्रॉन्ज या प्लास्टिक की एक स्क्रीनिंग जाली किस्म का रहता है, उसके बीच में दो जालियों के बीच में हम इन सारी चीज़ों को पुट करते हैं और ऊपर से जो है वाटर को स्प्रे करते हैं. ओके, और स्प्रे करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि वो जो है कूल होकर के बाहर से जो आने वाला एयर है उसे भी वो कूल करता है और कूल करके वो आगे की ओर फॉरवर्ड करता है, जिससे कि हमारा जो एयर का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होकर के 2 degree Celsius से 4 degree Celsius आ जाता है. और एक यहाँ पर पॉइंट रिसर्च में सामने आया है कि अगर हम कूलर का जो चैम्बर का जो साइज होता है उसे भी अगर हम बड़ा कर दें तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, जो पैड्स, जो एलिमिनेटर पैड्स जो लगते हैं बाहर में, जो खस के जो प्लेट लगते हैं, उसके भी साइज बड़े हो जाएंगे. तो उससे भी जो टेम्परेचर है और 1 या 2 degree Celsius और ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है. ओके, बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर वो फिर प्रोवाइड करेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एयर कूलर, वायु शीतक के अव्यय. ओके, द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर कूलर. तो देखिए यहाँ पर एयर कूलर का ये डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है. इस डायग्राम को आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे, ये मेन एग्जाम में आता है. ओके, तो इस डायग्राम को आप लोग समझ लीजिए किस प्रकार से काम करता है और इसे आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे.
आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर कूलर। ए जो है ये वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये ए हो गया वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। बी जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। सी जो है ब्लोअर फैन, ब्लोअर फैन। ओके, डी जो है ये ऑपरेटर पैड्स ऑन द स्क्रीन साइड। ओके, ये डी हो गया। ओके, और ई जो है वाटर रेसिप्रोकेटिंग पंप है, एफ जो है वाटर टैंक है, जी जो है वाटर ओवर फ्लो एंड ड्रेन है, एच जो है फ्लोट वाल्व है, आई वाटर ट्रैप्स हैं, थ्री इन नंबर, जे जो है ये कैबिनेट है। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम किस प्रकार से, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक मोटर लगा हुआ है, इस मोटर से ये फैन ब्लेड है। ओके, ये बेल्ट पुली के थ्रू ये कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर देखिए इस फैन को के सपोर्ट में यहाँ पर एक इस प्रकार से एक सपोर्ट लगा हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखिए नीचे में वाटर लगा हुआ है, ये जो ई जो है ये पावर सप्लाई के लिए लगा हुआ है, जो कि मोटर को सप्लाई कर रहा है। वाटर रिसर्कुलेटिंग पंप, ये पंप है, ई जो है वाटर रिसर्कुलेटिंग पंप है, जिस पंप से देखिए नीचे से ये पंप में देखिए करंट के लिए यहाँ पर ये तार का इसलिए ये बनाया गया है सिंबल। तो ई जो है ये पंप है, और जी जो है ये वाटर ओवर फ्लो एंड ड्रेन, जी जो है ये वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। ओके, तो और एफ जो है वो वाटर टैंक है, और एच जो है फ्लोट वाल्व है, जी जो है वाटर ओवर फ्लो एंड ड्रेन है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बाहर का ये हॉट एयर अंदर की ओर आ रहा है, ये पैडेड क्या रहता है, गीला रहता है पानी के माध्यम से, ये पंप के माध्यम से, ई जो है ये पंप है, ये पंप क्या करता है वाटर को ऊपर तक के पहुँचाता है, और यहाँ पर देखिए स्प्रे होता है वाटर। ओके, और यहाँ से क्या होता है ठंडा हवा जो है वो बाहर की ओर एग्जिट हो जाता है। एक नॉर्मल कूलर का डायग्राम है, जो कि हमारे डोमेस्टिक कूलर का डायग्राम है। ओके, ये सभी के घरों में रहता है कूलर, जो कि गर्मी के दिनों में समर डेज में ये काम आता है गर्म हवा को ठंडा करने के लिए। ओके, और एयर के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए और ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए एयर में। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर कूलर, उद्देश्य एवं अव्यय वायु शीतक के, उद्देश्य हर एक अव्यय के, आंसर में लिखा हुआ फंक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट्स। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जल वितरण निकाय क्या काम रहता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ब्रांचेस ऑफ कॉपर पाइप इक्विप विद ऑरिफिस विच डिलीवर्स इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर टू थ्रू विच इन टर्न सप्लाई वाटर टू वेटेड पैड्स। वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है, पानी को सप्लाई करता है और ये पैड्स तक के पहुँचाता है पंप के माध्यम से, और इसकी जो जाली जो बनी रहती है वो स्टील या कॉपर प्लेट के पतले पतले तार से बना हुआ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर ये क्या करता है, ड्राइव करता है फैन या ब्लोअर को। ओके, इसे हिंदी में विद्युत मोटर कहा जाता है। थर्ड है ब्लोअर, ब्लोअर क्या करता है, फैन की तरह रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हाई स्पीड में फैन एयर को ब्लो करता है, इंट्रोड्यूस कराता है कूलिंग पैड से। ओके, एयर ब्लोअर फैन पुल और थ्रो द वेटेड पैड्स एंड सप्लाई टू द स्पेस टू बी कूल्ड। ओके, ठंडी हवा को ये बाहर की ओर डिस्चार्ज करता है ब्लोअर। ओके, फोर्थ है इवोपरेटर पैड्स, इवोपरेटर पैड्स क्या करता है, वाष्पित्र मुलायम पदार्थ, ये क्या करता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पैड वेटेड विद वाटर अरेंज ऑन थ्री साइड्स ऑफ कूलर, द वाटर ऑफ पैड इवोपरेट्स व्हेन एयर स्ट्रीम पासेस थ्रू इट ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर ऑफ पैड द सेंसिबल हीट ऑफ एयर रिड्यूसेस एंड यूज्ड एट एज लेटेंट हीट टू इवोपरेट वाटर, हेंस डीबीटी इज रिड्यूस्ड। इवोपरेटिव पैड क्या करता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को कम करने का काम करता है और सेंसिबल हीट को भी ये कम करता है। ओके, और आपके पैड्स जो हैं कूलर के, जो कि एलिमिनेटिंग पैड्स भी हम जिसे कि हम कहते हैं, तो उस पैड्स को भी ये क्या करता है, ठंडा करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ इवोपरेशन। ओके, इवोपरेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि कोई भी मटेरियल हमारा ठंडा रहता है। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट है वाटर रिसर्कुलेटिंग पंप, जल प्रचारित पंप, इसके बारे में डेफिनेशन है। ए पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट द वाटर एंड सप्लाई इट एट द टॉप ऑफ द कूलर टू द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इन दिस वे वाटर फ्रॉम द वाटर सम्प इज सर्कुलेटेड अगेन एंड अगेन बाय द पंप। तो यहाँ पर पंप का क्या काम रहता है, नीचे के सम्प से, नीचे के वाटर रिजर्वायर से ऊपर तक के सर्कुलेट करने का काम रहता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का काम रहता है वाटर रिसर्कुलेटिंग पंप का। सिक्स पॉइंट है वाटर टैंक, जाली टंकी। ओके, इसका काम ये रहता है पानी को एक जगह पर एकत्रित करके रखना और उसका जो लेवल है उसे मेंटेन करते हुए रहना। ओके, उसी वाटर टैंक में हमारा पंप भी इंस्टॉल्ड रहता है, ड्रेन आउट के लिए भी एक सप्लाई किया रहता है और फिल रिचार्ज पानी टॉपअप के लिए भी वहाँ पर एक लाइन दिया हुआ रहता है। ओके, पाइप लाइन।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द वाटर इज फिल्ड इन द वाटर सम्प ऑफ द कूलर फ्रॉम वाटर सप्लाई मेन्स इट इज यूज एज रिजर्वायर ऑफ द वाटर फॉर सर्कुलेटिंग वाटर अगेन एंड अगेन। सेवन पॉइंट है वाटर ओवरफ्लो एंड ड्रेन। जब जल ओवरफ्लो एवं नालियाँ द एक्सेस ऑफ वाटर देन द कैपेसिटी ऑफ वाटर सम्प रिजर्वायर एज वाटर टैंक इज रिमूव थ्रू द ब्लीड एंड ड्रेन कनेक्शन। ओके देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर ओवरफ्लो एंड ड्रेन, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पानी जो है ये एक सम्प में रहता है और अगर उसकी लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो ड्रेन आउट हो जाता है। एट पॉइंट है फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व के बारे में लिखा हुआ है द लेवल ऑफ वाटर इन वाटर टैंक इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोट वाल्व। फ्लोट वाल्व क्या करता है कि फ्लोट वाल्व लेवल को मेंटेन करके रखता है वाटर रिजर्वायर में। नाइन पॉइंट है वाटर ट्रैप्स, जल जाल। ओके द वाटर इज अलाउड टू ट्रिंकल ट्रिंकल ओवर द पैड्स अंडर ग्रेविटी और समटाइम्स फोर्स टू वाटर ट्रैप्स प्रोवाइड्स ऑन अदर ऑन थ्री साइड्स ऑफ द कूलर। तो तीनों साइड में पानी को सप्लाई करने का काम करता है ग्रेविटी एक्शन से। जितनी भी पानी जो है पैड्स को गीला करते हुए नीचे की ओर आता है वो सम्प में जमा होते हुए चले जाता है। ओके नाइन्थ पॉइंट है कैबिनेट। कैबिनेट क्या करता है, सभी चीज़ों को एक डेकोरेटिव पोजीशन पर अरेंज करने का काम करता है। ओके ऑल द पार्ट्स आर जनरली एनक्लोज इन अ डेकोरेटिव कैबिनेट विच आर जनरली इंस्टॉल्ड ऑन विंडो ऑफ द रूम। ओके तो जो कैबिनेट जो रहता है वो सभी पार्ट्स को एक साथ में असेंबल्ड करने का भी काम करता है। कैबिनेट का मतलब होता है बाहर का जो कवर जो रहता है उसे हम कैबिनेट के नाम से संबोधित करते हैं। ओके अगला हेडिंग है द लिमिटेशंस ऑफ एयर कूलर, वायु शीतक की सीमाएं। ओके क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, आंसर में लिखा है द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ एयर कूलर। पहला है द लोवेस्ट पॉसिबल ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज अचीव्ड विथ इवेपोरेटिव कूलिंग इज द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द एम्बियंट एयर। ठीक है सब कम से कम वेट बल्ब टेम्परेचर तक के हमें लेकर के चला जाता है। ओके बट इसके लिए हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द इवेपोरेटिव एयर कूलर्स आर ओनली सक्सेसफुल इन दोज एरियाज वेयर लो वेट बल्ब टेम्परेचर एंड हाई ड्राई बल्ब टेम्परेचर सॉकर दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर अबाउट 21 डिग्री सेल्सियस बिलो एंड ड्राई बल्ब टेम्परेचर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउ। ओके ये जो इवोपरेटिव एयर कूलर जो रहते हैं वो सक्सेस उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास है वो और ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो। थर्ड पॉइंट है इट इज नॉट यूजफुल फॉर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एरियाज बिकॉज ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस ए मॉइस्चर इज एडेड रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्पेस बींग कूल्ड कॉन्ट्ररी टू द रिक्वायरमेंट। ये ऐसे जगह पर उपयोग नहीं किया जा सकता जिस जगह का रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो क्योंकि ये एक तरह से एयर कूलर जो रहता है वो एयर में मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करके ही उस एयर को ठंडा करने का बेसिकली काम करता है। ओके तो जिस जगह पर ह्यूमिडिटी रेशियो बहुत ज़्यादा है मतलब एयर मॉइस्चर मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स वाटर मॉइस्चर का कंटेंट जब एयर में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहती है उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो रहता है हमेशा परसेंटेज पर डिनोट किया जाता है कि 1 किलोग्राम ऑफ एयर में कितना किलोग्राम मॉइस्चर कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है उसे किससे डिनोट किया जाता है, परसेंटेज से। 65% RH है रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg ऑफ एयर में 65% जो है वो मॉइस्चर कंटेंट है। ओके वाटर वेपर का कंटेंट है जिसके कारण से कि बहुत ही कूल लगता है वो एयर। ओके अगला हेडिंग है द पैरामीटर्स नेसेसरी टू कंट्रोल फॉर एयर कंडीशन सिस्टम, वातानुकूलन निकाय के नियंत्रण से संबंधित आवश्यक आधारभूत गुणों की सूची। आंसर में लिखा हुआ है द फॉलोइंग आर द मेन पैरामीटर्स नेसेसरी कंट्रोल फॉर एयर कंडीशन सिस्टम। तो देखिए एयर कंडीशन में किन किन चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए बताया गया एयर प्योरिटी के बारे में मतलब वायु स्वच्छता के बारे में लिखा हुआ है रिमूव द डस्ट डर्ट सूट एंड जर्म्स फ्रॉम द आउटसाइड एयर एंटरिंग द एयर कंडीशन प्लांट। ओके एयर कंडीशन प्लांट में जो भी डस्ट पार्टिकल डर्ट पार्टिकल या सूट या जर्म्स जो भी बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो उन्हें ये साफ करने का काम करता है एयर प्योरिटी। ओके एयर कंडीशन में ये सारी चीज़ें साफ होकर के हमें मिलती हैं। ओके टेम्परेचर तापक्रम। ओके तो यहाँ पर लिखा हुआ है कूल द एयर इन समर एंड हीट द एयर इन विंटर। ये क्या करता है कि समर सीजन गर्मी के दिनों में ये क्या करता है ठंडा करता है एयर को और
ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में ये गर्म करने का काम करता है एयर को। ओके, तो ये ईयर राउंड एयर कंडीशन का आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ईयर राउंड एयर कंडीशन वर्क करता है। तो ये टेम्परेचर तापक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि वो कूल भी करता है समर डेज में और हीट भी करता है विंटर डेज में। ओके, ह्यूमिडिटी, जैसे कि हम हिंदी में आर्द्रता कहते हैं, डिक्रीज द ह्यूमिडिटी इन समर एंड इंक्रीजेज इन विंटर। ओके, तो ह्यूमिडिटी जो रहता है वो गर्मी के दिनों में घटाता है और ठंडी के दिनों में बढ़ाने का काम करता है। ओके, एयर मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है वो गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है वातावरण में और ठंडी के दिनों में वो घट जाता है वातावरण में। ओके, इसलिए हम ठंड के दिनों में समर डेज में हमारा जो स्किन जो रहता है वो बिल्कुल ड्राई फील करता है। ओके, क्योंकि एयर मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाता है, घट गया होता है उस समय में। सिक्स पॉइंट है एयर वेलोसिटी मूवमेंट, वायु की गति, सर्कुलेट द कंडीशनड एयर इवनली थ्रू आउट द बिल्डिंग एट ऑल द टाइम्स एट डिजायर्ड वेलोसिटी। यहाँ पर है वेलोसिटी जो है एयर की, उसे मेंटेन किया जाता है एयर कंडीशन में हरदम, हमेशा हम पूरे समय पे एयर की वेलोसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आयोनाइजेशन, आयनीकरण, ओजोनेट और आयन द एयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द ऑडर्स आफ्टर इट हैज बीन कंडीशन। कंडीशन करने के बाद एयर को ओजोनेट किया जाता है, जिससे कि उसमें दुर्गंध जो अवेलेबल है या किसी प्रकार का ऑर्डर उसमें अवेलेबल है तो उसे वो हम रिमूव कर सकें। ओके, नॉइज लेवल, शोर गति, नॉइज लेवल के बारे में लिखा हुआ है, द नॉइज लेवल ऑफ प्लांट मस्ट बी कीप लो। ये क्या, एयर कंडीशन जो रहता है वो बहुत ही लो नॉइज का रहता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम, हिंदी में वातानुकूलन प्रणालियों की वर्गीकरण, डेफिनेशन ऑफ एयर कंडीशन सिस्टम, वातानुकूलन प्रणालियों की परिभाषा। एन एयर कंडीशन सिस्टम इज डिफाइंड एज एन असेंबली ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम यूज टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड कंडीशन ऑफ एयर विद इन एक्वायर्ड स्पेस। ओके, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एयर कंडीशन जो रहता है उसमें बहुत से पार्ट्स में लगे रहते हैं और एयर के साथ में बहुत से चीज़ों को भी ये मेंटेन करने का काम करता है पैरेलली। ओके, तो ये क्लोज असेंबली के अंतर्गत में ये सारी चीजें इसमें रहती हैं और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशन कहते हैं, जो कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एयर को ठंडा करने का काम करता है, प्यूरीफाई करने का काम करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, प्यूरिफिकेशन मेंटेन करता है, उसके ऑर्डर को मेंटेन करता है, स्मेल को मेंटेन करता है, ये सारी चीजों को मेंटेन करने का काम करता है हमारा एयर कंडीशन एट ए टाइम साइमल्टेनियसली। ओके, तो इतना आज की लेक्चर में हम पढ़ते हैं, आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में बने रहे पढ़ेंगे। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग नोट कॉपी में नोट डाउन करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, समझने का प्रयास करेंगे। सारे डायग्राम्स भी इसमें जो बने हुए हैं ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर बार के एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में आते हैं या कभी इंटरव्यू में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग जो है नोट डाउन करके रखेंगे, एक कॉपी नोटबुक में आप लोग इन सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे, जिससे कि आप लोगों को आगे भी इन सारी चीज़ों का लाभ आप उठा सकें, अगर नोट कॉपी में अगर आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखेंगे तो। ओके, तो ओके, थैंक यू वेरी मच हमारे इस लेक्चर में बने रहने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।